प्रातः क्लास चल रहा था, 9/12/1968 सोमवार को चौथे पेज पर मध्य में बात चल रही थी सुखदाम और दुखदाम की। सुखदाम में हमने इतना समय बिताया, और जो लंबा समय बिताया वो सुखदाम याद आता है। अभी दुख के समय में कितना याद आता है। अगर ज्ञान जरा भी याद आ जावे तो बच्चों को ना एकदम कुछ भी ख्याल रहेगा। अरे ज्ञान में तो फिर सेकंड की बात है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। तो देखो सेकंड की बात है जीवन मुक्ति की, तो सेकंड में जबकि मालूम है पुरुषार्थ करते हो तो जीवन मुक्ति मिलती है। तो जबी जो बंधन लगा है ना, ये बंधन सब एकदम टूट जाते हैं। जब जीवन मुक्ति मिलती है कभी भी देखो बाबा अपनी ही अवस्था बताते हैं। ये दादा अपनी अवस्था बताते हैं कि बहुत ही खिटपिटे खिटपिट होती रहती होगी। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई फलाना, कोई क्या। देखो कितना एक दिन वो सन्यासियों ने बैठ करके तुम्हारी ये चित्र वगैरह सब तोड़ डाले थे। तो इसे सुनकर बाबा को कोई दुख थोड़े हुआ। वो सुना कि इसने ऐसा किया, अच्छा समझा ये ड्रामा की भाभी, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो सारी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। और यहां तो 2, 500 या 1,000, 5,000, 10,000 का नुकसान हुआ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम विश्व के बादशाहों के लिए ये क्या है। अरे हम तो कौरों के खजाने के मालिक बनते हैं। और इस संबंध में अपने से बातचीत करने में ही खुशी चढ़ जाती है। तो बच्चों को तो सदैव बाबा कहते हैं, भले कोई सदैव हर्षित नहीं रहते हैं, हर्षित हमको नहीं होता है, परंतु नहीं यहां बैठे शांति में भी तो रहते हैं, याद में जाते हैं तो कुछ भी हो जाते हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता है। अरे कुछ भी हो जाए हम तो अपने पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं।
ऐसे पुरुषार्थियों का तो चेहरा ही बड़ा खुशनुमा रहता है। और आगे चल करके और खुशनुमा होता जाएगा। और जो अज्ञान काल में जो बच्चे पास होते हैं तो भी देखो उनका चेहरा, वहां उस दुनिया में जो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है ना, तो चेहरा हमेशा खुशनुमा रहता है। मुझे कोई पूछे मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, इतना चेहरा और दूसरों का इतना नहीं होता है खुशनुमा। और पुरुषार्थी होते हैं, उन पुरुषार्थियों का ही होता है। तो तुमको बहुत अच्छी तरह से समझाया है बच्ची कि तुम पुरुषार्थ ही करते रहो, वो इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा खुश रहने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। और इसी पुरुषोत्तम संगम यज्ञ के समय में इन जैसा हर्षित बनना है। पिछाड़ी में तुम शरीर छोड़ो ना, तो इन जैसा वाइब्रेशन तुम्हारे वायुमंडल का चारों ओर बना हुआ होना चाहिए। अभी तो ज्ञान तो नहीं होगा ना इनमें इतना, पर भविष्य में जो ज्ञान होना है उस ज्ञान की खुशी होगी। तो अभी तो तुमको भविष्यगत ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। और देखो ज्ञान है भी, और इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा को तो ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान नहीं है, तुम्हारे में ज्ञान भी है हर्षितपना भी है, ऐसे ही कहेंगे। तो इनसे तो तुम बहुत ऊंचे हो इस समय में। ये तो देवता ही पद है, तुम तो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल के हो। नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, सब युगों से ऊंचा युग है। इन देवताओं से तो तुम बहुत ऊंचे हो। तो इनकी स्टेज को भी तुम भूल जाते हो, क्योंकि ये तो देवताएं 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं और तुम तो कलातीत बन जाते हो। तो ये तुमको स्मृति रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच बनते हैं। जैसे कहा जाता है विष्णु देवता प्रवृत्ति मार्ग का ऊंचा देवता माना जाता है, ऊंच थे ऊंच। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु कहा जाता है, और तुम्हारा तो पद उससे भी ऊंचा है रचयिता का, अर्धनारीश्वर के रूप में। क्योंकि हमको तो जैसा बाबा है ज्ञान का सागर, जो हमको इतना ज्ञान देते हैं, तो उस दुनिया में तो कभी भी कोई भी मनुष्य को मिल ही नहीं सकता है।
और कोई भी ऐसी ऊंची चीज नहीं मिल सकती है। ज्ञान से ऊंची, ईश्वरीय ज्ञान से ऊंची चीज तो दुनिया में कुछ होती ही नहीं है। गीता में भी बोला ना, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। और पवित्रता से तो दुनिया के सारे काम होते हैं। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का पांचवा पेज दूसरी लाइन अंत। तो ये तो खजाना है, ढेर के ढेर अविनाशी ज्ञान रतन है इस खजाने में। और ये सारे रतन तुमको मिलते हैं ना, तो तुमको ये लॉटरी मिल रही है। लॉटरी मिल रही है इस समय में खुशी होती है ना कि भाई लॉटरी मिलती है। बाद में तो वो लॉटरी के जो पैसे रहते हैं तो जैसे ठाठरा बिल्ला हो जाते हैं पैसे वाला, वो तो खुशी नहीं रहती है जो लॉटरी मिलते वक्त रहती है। और इस समय में तो तुमको बहुत खुशी है, क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारा जन्म ही हीरे जैसा गाया जाता है। किस जन्म के लिए हीरे जैसा नहीं गाया जाता है? नहीं, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा हीरे जैसा जन्म बनता है। जो ऑलराउंड ड्रामा में हीरो गाया जाता है, क्योंकि तुमको जो नॉलेज बाप में है ना, जिस बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, और नॉलेजफुल के आधार पर सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो तुम बच्चे भी नॉलेजफुल कहे जाते हो। और इनको थोड़े ही नॉलेजफुल पीछे कहा जाता है, देवताओं को थोड़े ही नॉलेजफुल कहा जाता है, चाहे वो विष्णु देवता हो, शतुघ्न 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण हो, राधा कृष्ण हो, या और आगे की पीढ़ियों के देवताएं हो, अरे तुम ब्राह्मण ही तो नॉलेजफुल बनते हो। तो देखो, ब्राह्मण नॉलेजफुल, और फिर देवताओं ये नॉलेज ना हो, तो कंट्रास्ट करो कौन बड़े हुए। बच्चे तुम ही बड़े हो ना, तो से नॉलेज के बड़प्पन की तुमको खुशी रहती है। और तुम्हारी खुशी तो और भी ज्यादा है, एक तो बेहद के बाप के मिलने की खुशी, और वो खुशी तो तुम्हारे सिवाय और किसी को दुनिया में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि ये जो दुनियावी भगत है ना, भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं ना, उनको वो तुम्हारी जैसी खुशी थोड़े ही आ सकती है, नेचुरल। अरे उनकी तो आर्टिफिशियल अल्पकाल की खुशी होती है,
साक्षात्कार हुआ और खलास, खुशी भी खलास। तो उसको वास्तव में खुशी नहीं कहेंगे, खुशी वो जो परमानेंट रहे। अभी तो समझते हैं कि हम जो गीता गीता ये कहते रहते थे, यही जो है, जो ये बड़े बड़े चिन्मय आनंद, फलाना आनंदा, शिवा आनंदा, ये फलाना आनंदा, बाबा ने कहा है, ये फील करेगा पीछे, कि हम क्या शिव आनंद बना के बैठे थे। एक तो इनको शास्त्र परास्त्र पढ़ने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। जब सन्यास ले लिया तो संपूर्ण त्याग करो ना दुनिया भी बातों का। अरे गीता पढ़ने का भी अधिकार नहीं, ये तो पैसा कमाने के लिए यही किताब जिसमें कुछ है ही नहीं, खुद पढ़ते रहते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। वास्तव में ये भक्ति भी इनकी एक दुश्मन है। अब है तो सारा खेल, पर बच्चे ये भी तो बात सच्ची है कि दुश्मन दुश्मन और दोस्त दोस्त भी होते हैं। तो देखो भक्ति भी है दुश्मन, अभी तुमको ज्ञान मिला है, ये तो पार्ट बजा हुआ है ना। जिसका बुद्धि में ज्ञान है तो ये दुश्मन हुआ ना, क्योंकि इन दुश्मनों के कारण ही दुख धाम बन जाता है। और ये जो शास्त्र पढ़ते हैं कितना हंगामा, वहां तीर्थों पर जाओ तो सही, कहां भी जाओ तो कितना ये शास्त्र घंट फलाना टीरा ये सब क्या है। अरे सारा दुखधाम है ना, फालतू शोरगुल करते रहते, इससे क्या फायदा, कुछ फायदा हुआ इसको क्या कहेंगे। तो ये भक्ति मार्ग ये सभी ये कोई हड्डी हड्डी सुख नहीं है ना, ये तो आर्टिफिशियल बाहर का सुख है। और ये भक्ति का आर्टिफिशियल सुख है और क्षणभंगुर आर्टिफिशियल सुख, अब वास्तव में सुख किसको कहा जाता है। अरे उस सुख का नाम ही है सुख धाम, जहां दुख का नाम निशान नहीं। कहते ही है स्वर्ग हैविन, जीता हुआ है इसे सारी दुनिया को। देखो नाम ही कहने से पैराडाइज बहिष्ट, कितना अच्छा नाम है। तो उस बहिष्ट में पैराडाइज में स्वर्ग में हेवन में सुख है ना बच्ची, इसमें तो तुम देखो कि इस दुनिया में कितना दुख है, अपार दुख है।
हाँ क्यों दुख है? क्योंकि एकदम छी छी होते रहते। और बच्चों को कभी मालूम पड़ता है कि बरोबर हम छी छी बने हैं? तो ये भी बात है कि फट से तो हम नहीं रौरव नरक में पड़े हैं, धीरे धीरे रौरव नरक होता गया होता गया। तो फट से रौरव नरक में नहीं आ गए, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते, वो जो आखानी है ना, कि सर्प को एक एक दरिया से निकाली, दूसरे में डाला, दूसरे में डाला, तीसरे में डाला, अरे बड़े बड़े दरियों में डालते गए, समझा ना? उनको पहले तो वो छोटा लगा, एक तो ऐसी कोई बात है वो सर्प की, बाबा वो मछली नहीं याद आई, कुछ तो बात है। तो उनको उठाए करके दूसरे दूसरे और बड़े बड़े में डालते गए। तो ऐसे ही तुम भी जब सर्प बनते हो ना, बढ़ते जाते हो, काटते जाते हो, तो तुम भी फिर बड़े बड़े सागर में जाते हो। पहले तालाब में, फिर नदियों में, फिर वो सागर में चले जाते हो। इस समय तो जैसे कि एक बड़े सागर में जाके पड़े हुए, यादगार में नाम ही है प्रशांत महासागर। तो वो ऐसे सागर में चले जाते, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तो जैसे कि एक बड़े सागर में जाके पड़े हुए हो, उस बड़े सागर में ऊपर ऊपर तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और अंदर में एकदम शांत। तो उस बड़े सागर में से बाप आकर के निकालते हैं, बड़ा सर्प कहो, बड़ा माछला कहो, बाप ने तो पहले ही बता दिया है ऐसी दुनिया की कोई बात ही नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप की बात है ना। और फिर देखो वो विष के सागर से, विषय सागर से निकाल, एकदम बड़ा सागर, और फिर क्षीर सागर में ले जाते। तो बच्चों को इस समय में बहुत अच्छा भी लगता है और मीठा भी लगता है, परंतु फिर जब ये जगह छोड़ती हो ना,
तब क्या हो जाता है बच्चों को? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझ सकते हैं कि वो खुशी जो बाप सन्मुख चढ़ाते हैं, ये जैसे वो शराब का प्याला होता है ना, वैदत का प्याला कहते हैं कुछ है, अरे बहुत आख्यानियां होती हैं इसे इसकी, ज्ञान अमृत के तो ग्लास का नाम ही है। तो ये तो तुम अमृत का गिलास पीते हो, है ना? तो नशा, अभी जैसे कोई शराब बैठ करके पीते हैं तो उस शराब में उनको बड़ा नशा चढ़ता है, वो नशा चढ़ चढ़ के दिवाला है, तो वो भी अपन को बादशाह समझते हैं। है दिवाला मारा हुआ, अच्छा यहां भी बाबा जब तुमको बैठ करके समझाते हैं ना, तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। परंतु जब वो बाबा के सन्मुख का टाइम पास हो जाता है ना, फिर तो वो नशा ही कमती हो जाता है, फिर वो खुशी नहीं रह सकती है। क्यों? संग का रंग लगता है पीछे, वो संसार के वायुमंडल में जाते हैं, वहां जाते हो तो संग का रंग लगता है। तो गाया हुआ है, जैसा संग वैसा रंग, नौ बारह 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। वो बाबा खुद फील करते हैं, यहां तुमको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और स्मृति आती है कि बस अभी तो हम अपने घर गए कि गए, बाकी थोड़े रोज बचे हैं। कौन फील करते हैं? वो बाबा, वो जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है। फिर तो अपनी राजधानी जो हम स्थापन कर रहे हैं, और ये भी तुमको भूल जाता है कि हम अभी अपनी बाबा के मत पर, बाबा के मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे। तो हम तो बड़े वारियर्स हैं। ओम शांति।